तो भाईजान अभी मैं गया एक सुपरमार्केट में, मुझे कुछ वहां से चीजें लेनी थी। प्यारे भाई को मैंने देखा, मैंने कहा मेरी तरह ही है ये भी यार, तो ये क्यों ई कॉमर्स में काम नहीं करते, दराज पे काम नहीं करते। मैंने उनको बोला भाई आप जॉब क्यों, बिजनेस क्यों नहीं। उसने कहा साथ भाई कोविड में नुकसान करके बैठा हूं और यहां पे मैं जॉब कर रहा हूं। मैंने कहा भाईजान आपको कुछ भी नहीं करना, अभी सुपरमार्केट में इस स्टॉल पे बैठा था वो एक बंदा, समझ लो एक वहां पे मखसूस स्टॉल्स होते हैं, तो वो एक स्टॉल पे बैठा था। फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम के स्टॉल पे बैठा था, फॉर एग्जाम्पल वॉचेस के स्टॉल पर बैठा था, फॉर एग्जाम्पल वो पैंट शर्ट के स्टॉल पर बैठा था, वो सेल्समैन था वहां का, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा। मैंने कहा भाई तुझे कुछ भी नहीं करना, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो घड़ी तेरी यहाँ पे लगी हुई है ना 3500 रुपए की, दराज पे 5000 रुपए की बिक्री है, तुझे यहाँ से बाय करना है, वहां पे बेचना है, तुझे करना क्या भाई, खाली सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग करनी है दराज पर, एक रुपया तेरे से चार्ज नहीं होगा, मार्केटिंग का एक रुपये का खर्चा नहीं होगा। मैंने उसको दो तीन बार बोल दिया काम करते करते, मैंने कहा मेरे भाई जो मैंने आपको बताया ना उसको ट्राई जरूर करना, आपको करना कुछ भी नहीं है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हाथ में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल 25-30 हजार, 40 हजार आपको यहां से मिल रहे हैं, 25-30 हजार, 40 हजार आप महीने का दराज से भी कमा लोगे। पूरी दुकान को लिस्ट कर दो, प्रोडक्ट तो आपके सामने होगा, जब कोई प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, दराज पे जाके आउट ऑफ स्टॉक कर दो, ठीक है ना। ऑर्डर आया, प्रोडक्ट परचेज की, दराज के उसमें डाली और शिप करवा दी, और इंशाल्लाह फायदा होगा, ज्यादा नहीं महीने के 100-200 ऑर्डर भी आ जाते हैं ना, तो डिलीवरी रेट रेशियो जो है ना दराज का 15% है भाई, 15%, 20%, 40 ऑर्डर रिटर्न भी आएंगे ना, तो भी मेरे भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम। जितने भी भाई सुपर मार्ट में काम कर रहे हैं, कोई भी किसी भी शॉप पर काम कर रहे हैं, एक रुपए का खर्चा आप लोगों को नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट करना है अपने प्रोडक्ट को, और ऑर्डर आता है बाय करके शिप करवा दो, ड्रॉप शिपिंग मॉडल हो गया आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।